नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज संडे है और दिवाली बीत चुकी है, छठ पूजा आ गया है, तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोल देंगे छठी माई की जय। फाइनल एग्जाम आने वाला है, हो सकता है कि छठी माई की कृपा आप लोग पे हो जाए। यहाँ पे मैं और एक इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ कि छठ पूजा जो होता है वो बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग त्यौहार को स्पेशल त्यौहार माना जाता है, जैसे बंगाल में आपका हो गया दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र में हो गया गणपति बप्पा, तो इस तरह से बिहार में छठ जो है सबसे बड़ा पूजा और सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। जैसे झारखंड में कर्मा को जो है सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। तो इससे पहले तो मैं भी बिहार में ही रहता था, ये बिहार ही था, 2000 में ये झारखंड बना। जब मैं इंटर में पढ़ा करता था तो हमारे विद्यालय में एक प्रोफेसर हुआ करते थे और वो अक्सर बोलते थे पढ़ाई लिखाई के लिए एनवायरनमेंट तैयार करो, एनवायरनमेंट बनाओ तभी पढ़ाई लिखाई होगा। तो उस समय मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि अरे यार ये मास्टर वो बोल कर रहा, तो मेरी समझ में खुद नहीं आता था, उन लोगों को मैं क्या बतलाऊंगा तो मास्टर वा क्या बोल रहा है। उस समय हम लोग एक बुक पढ़ते थे, उसमें एनवायरनमेंट पर्यावरण लिखा रहता था, मुझे लगा कि कहीं उसी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बाद में समझ में आया कि एनवायरनमेंट तैयार करना है, इसका मतलब है कि उनका कहने का मतलब था कि पढ़ाई का एक माहौल होना चाहिए घर में, एक माहौल तैयार करो तभी पढ़ाई हो पाएगा। एक इसी चीज को मैंने देखा कि मुझे एक ट्यूशन मिला था, अब उसके बारे में बतलाता हूँ, इस फैमिली के बारे में। हालांकि मैं बतला दूं कि वो फैमिली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि वो लोग मेरे स्टूडेंट थे। कहीं पता चल गया, मैं डिटेल में कुछ भी नहीं बतलाऊंगा, कहीं पता चल गया तो बहुत दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे वो लोग। तो यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ कि उसके घर में जो है कुछ 5-6 बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं। जब बड़े बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो छोटे बच्चे परेशान करने लगते हैं। बड़े बच्चे बोलते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं उसके यहाँ जाता था जब पढ़ाने के लिए और बच्चों को बोलता था कि होमवर्क क्यों नहीं बनाया, तो बोलते छोटे बच्चे परेशान करने लगते हैं। इस तरह का माहौल था उसके घर में, और पेरेंट्स जो है विशेष ध्यान नहीं देता था, जो बच्चे कर रहे हैं करने दो, एक ये चीज़ हो गया। उसके बाद उसके घर में जो है टीवी चलता था, तो टीवी जब मैं जाता था तब चालू रहता था और जब मैं निकलता था तब फिर चालू हो जाता था। मतलब जब तक उस घर में बच्चे सो नहीं जाते, सब लोग सो नहीं जाते रात में, तब तक टीवी मतलब 24 आवर, जब सब सो गए तो फिर टीवी बंद है, अदरवाइज फिर जागे और टीवी फिर चालू हो गया और हमेशा चालू रहेगा, क्योंकि बिजली का बिल लगता नहीं था, उसको कोई जॉब था और कंपनी का जो है बिजली फ्री में मिलता था, तो इसीलिए उन लोगों का टीवी हमेशा चालू रहता था। अब वहां पे समझ लीजिए कि वहां किस तरह का माहौल है, किस तरह का एनवायरमेंट है, क्या वहां पढ़ाई हो सकेगा, तो वहां पे पढ़ाई नहीं हो पाता था। उन लोग जो है मैं बार बार वहां पे उन लोगों को बोलता था कि ये करो ऐसे करो, लेकिन कुछ भी उन लोग कंप्लीट करके नहीं आता था और कुछ भी सीख नहीं पाता था। तो ये बहुत बड़ा चीज है, तो इसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि आपके घर में इस तरह का एक एनवायरमेंट होना चाहिए, एक जो है माहौल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का जो टीचर बतलाते थे, टीचर नहीं वो प्रोफेसर थे, क्योंकि उस समय हम लोग इंटर में पढ़ाई करते थे। तो चलिए मैं आप लोगों के यहाँ पे एक सवाल दे देता हूँ कि टीचर को हम लोग, टीचर हो गया इंग्लिश तो उसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षक, अगर प्रोफेसर है, प्रोफेसर इंग्लिश वर्ड है, तो फिर उसका हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर आप लोग जानते हैं तो फिर आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे कि प्रोफेसर को हिंदी में क्या बोला जाएगा। तो जिस तरह से वो बतलाते थे तो उसी तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए। बाद में मैंने देखा कि जिन लोगों का गार्जियन सतर्क रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, घर में अक्सर स्टूडेंट लोग जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट जब ऊंचे क्लास में चले जाते हैं और घर की स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि वहां पढ़ाई हो सके, कुछ मतलब घर में कई सारी चीजें, काम ऐसा होता है कि काम करते करते आदमी का दिन बीत जाता है और दिन बीतने पर समय पूरा मतलब बीत जाता है, तो फिर पढ़ाई कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और कई मेरे ऐसे दोस्त थे जो बाहर जाके तैयारी किए और आज वो अच्छे स्थिति में है, कोई ना कोई जॉब लिए हुए हैं। तो मैं एक था और एक मेरा दोस्त और था, तो उन लोग जो है बाहर नहीं गए, और जिसकी वजह से अब देख ही रहे कि हम लोग को, जब मैं तो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और वो पता नहीं कहाँ पे है, अब कहीं बाहर निकल गया है पता नहीं है। तो ये माहौल जो है आप अपने घर में जरूर क्रिएट कीजिए, पढ़ाई का माहौल। अगर नहीं बनता है तो फिर आप बाहर जाके पढ़ाई कीजिए, जो स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं तो फिर बाहर जाके तैयारी कीजिए, वहाँ पे पढ़ाई कीजिए। गार्जियन को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उनको ध्यान देना है। अगर आपके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं यही बतलाना चाहता हूँ कि आप जो है घर में इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, एक माहौल क्रिएट कीजिए पढ़ाई का। जब समय होता है पढ़ाई का तो उसको पढ़ने के लिए बैठाइए। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर मौका देखते रहते हैं कि किसी तरह से ना पढ़ा जाए, तो गार्जियन को सतर्क रह के उसको बैठाना पड़ेगा,
उस तरह का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। जब माहौल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, एक समय जब आता है शाम हुआ तो बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि चलो नहीं अभी तो पढ़ाई करना है, लोग टीवी भी सब छोड़ के पढ़ाई करते हैं। इस तरह का मैं खुद जो है अपने घर में इस तरह का माहौल क्रिएट करके रखा हुआ हूं, तो आप भी इस तरह का करके रखिए। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा, और इसी तरह का और एक अच्छे टॉपिक के साथ मैं फिर से नेक्स्ट संडे को मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।